गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और थंबनेल देख के जी आप तो पहचान ही लिया होगा आपने कि आज हम लगवाने जा रहे थे अपनी गाड़ी में कार्बन फाइबर का स्टीयरिंग। तो यार सॉरी, मैं 3 दिन से व्लॉग इस वजह से नहीं था अपलोड कर पा रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल में कोई मसला बना हुआ था, तो वो जिसे मैं एडिट करता हूँ ना, वो एडिट वाली ऐप ही नहीं थी चल रही। तो वो ऐप से ही हुई, हाँ वो ऐप से ही हुई है। तो अब दोबारा मैंने ब्लॉग शुरू किया है। अच्छा कल रात को ना मैं इसके बम्पर जो जहाँ जहाँ से ख़राब थे ना बॉडी किट, उनको सबसे पहले रिपेयर करवा के लाया, रिपेयर करवा के तो पेंट भी करवा लाया हूँ। मेरा मोबाइल नहीं था चल रहा, नहीं तो मैं प्रॉपर ब्लॉग उसका भी बनाता। ये देख करें, ये सारा वाइट कर दिए बॉडी किट को। पहले यहाँ से रेड होता था और इधर से वाइट ही होता था, और ये पैर वाली जगह से सारा ब्लैक होता था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता। तो इस वजह से मैंने सारी वाइट करके ये सब ब्लैक रहने दिया। अभी भी इसके यहाँ पे ना गोला लगना है, एक छोटी सी एक रबड़ सी होती है, वो पूरी किट के ऐसे जहाँ जहाँ पे ये फास्ट लेना वहाँ लग जाएगी। तो सजावल भाई को मैंने फ़ोन किया हुआ है, उनको कहा हुआ है कि गोला लेंगे आए, अभी वो गोला लेंगे, तो गोला लगा के इसके ऊपर तो फिर हम ये किट हमारी फुल रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्राइवर भाई को कहेंगे जी हमें दिखाई दी कार्बन फाइबर का स्टीयरिंग। असल में कार्बन फाइबर का ना कवर है उसके पास, स्टीयरिंग नहीं कवर है, वही कवर हमने इसके ऊपर लगा के तो देखने हैं ऊपर क्या डेकोरेशन वगैरह, यानी कि रेड की टच वगैरह देंगे इसके साथ, फिर सीटिंग वगैरह के साथ मैच हो जाएगी। तो अभी कहते हैं जी फास्ट ट्रैवल सुजावल भाई के पास। तो भाई साहब सुजावल भाई की दुकान ही बंद है, तो अब हम जाएंगे जी कनाल पे, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके कनाल से जाके वो उठाएंगे हम गोला, गोला उठा के फिर ये अंजित भाई पे इन्होंने लगा देना है। अभी पहले जाके लेके तो आए थे जाके। भाई साहब फाइनली आपको भाई खज्जल खुआर हो के कनाल से ढूंढ ढूंढ के 1.5 घंटा लगा के ये रबड़ सी ले आया, ये वाली। तो यार ये होती है ये, हाँ ये होती है जी रबड़, जिसको हम कहते हैं जी उर्दू का गोला। ये लगती है किट के जहाँ पे फासला आता है ना वहाँ पे लगती है। और आपको एक और पैसे की बात करता हूँ कि आपके भाई ने जो कार्बन वाला स्टीयरिंग है वो अब लगवा लिया है, लेकिन वो आपको अभी नहीं, जब गाड़ी फुल डन हो जाएगी तब उसके बाद दिखाऊंगा। पेंट उखड़ जाना है, मैं कहा अभी कल ही ताज़ा पेंट वो नजर नहीं आएगा, तो हमने अपनी सेटिंग तो करनी है ना। कार्बन फाइबर स्टीयरिंग का हुआ कुछ ऐसे कि मैं तकरीबन 1.5 घंटा लगा के आया हूँ उधर गोला ढूंढने में। उसके पीछे से सजावल भाई आए, सजावल भाई ने आके मैंने फ़ोन किया जी किधर हो, मैंने कहा मैं ऐसे गोला ढूंढ रहा हूँ, तो कहते तुम्हारी गाड़ी इधर खड़ी है वर्कशॉप के पास, मैंने कहा बिल्कुल खड़ी है, मैं कहा इसको कार्बन फाइबर स्टीयरिंग लगा के तो इसको फुल रेडी करके रखना मेरे आने में। अब मेरे वहाँ पर जी लग गया 1.5 घंटा जहाँ पर मैं गोला ढूँढ रहा था, तो उतरे आने आने में सजावल भाई मेरा स्टीयरिंग करके फिर एक गाड़ी रैप करने चले गए। तो अब जी हमारा रह गया जी फाइनल काम, वो है जी कार वॉश। तो अभी चलते हैं जी अपने कार वॉशिंग वाले स्पॉट पे,
पर जाके गाड़ी दिलवा के फिर आकर भाई आपको दिखाएगा एक प्यारे से सिनेमैटिक्स, जिससे फिर आपको नजर आएगा कार्बन फाइबर का स्टेरिंग। इसी के साथ साथ करते रहिए व्लॉग, एंड ऊपर से आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी कोई खास व्लॉगिंग हो नहीं रही, पसीने बहुत आ रहे हैं। तो बाकी उम्मीद बहुत है कि आपको जी गाड़ी पसंद आई होगी, मेरे तो बहुत आई है क्योंकि मेरी अपनी है, तो उम्मीद तो बहुत है कि आपको भी पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।